गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स और ये आलू का पौधा आप देख सकते हैं कि ड्राई हो चुका है। और मैं सोच रही हूँ कि इसको हार्वेस्ट कर लिया जाए, चेक करना पड़ेगा कि कोई आलू इसके अंदर बना भी है या नहीं। तो इसके साथ देखिए धनिया भी लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि ये भी डिस्टर्ब ना हो और पूरे ग्रो बैग को हम उलटाएंगे नहीं बल्कि इसी के अंदर से आलू ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो लवली ये देखिए मैंने पूरा प्लांट ही बाहर निकाल लिया और ये देखिए आलू, ये देखिए ये तो है जो इसके साथ लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा चन्ना। अब ये एक आलू मैंने लगाया था, ये देखिए उससे ये प्लांट्स बने और उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि मेरे घर में काम भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये सारे प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखे हुए हैं और आजकल इनको प्रॉपर पानी भी नहीं मिल रहा और तवज्जो नहीं दे रही मैं, और उसके बावजूद ये आलू जो मिले हैं बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं समझ रही थी ये जो ड्राई हो रहे हैं प्लांट्स तो शायद ये इसलिए ड्राई हो गए हैं क्योंकि मैं इनको प्रॉपर इनका ख्याल नहीं रख पा रही और पानी नहीं मिल रहा इनको शायद इसलिए, बट ये वाकई में आलू बन चुके थे इसलिए ड्राई हुआ है ये। चलिए देखते हैं मज़ीद इसके अंदर से कुछ और निकलता है या नहीं। इसको रखते हैं साइड पे। और इसमें से सर्च करते हैं ये क्या है। माशाल्लाह जी, ये देखिए अनदर आलू। और निकालते हैं, चुन्ना सा एक छोटा सा आलू, ये बहुत छोटे से साइज का है, ये देखिए इसको भी रखते हैं साइड पे। और देखते हैं मैं चाहती हूँ कि ये धनिया बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, बट आलू का भी कुछ अंदाज़ा नहीं है मुझे कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं। स्टिक्स जो हमने सपोर्ट के लिए लगाए हैं इनको रखते हैं साइड पे। यहाँ कुछ नज़र आया है वाओ अनदर आलू, ये है अच्छे साइज का एक और आलू, इसको भी रखते हैं साइड पे। और यहाँ जनाब, माशाल्लाह एक और आलू, गुड। और भी मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे कुछ है जी। मिट्टी आप देखिएगा कि बहुत सॉफ्ट ये मिट्टी मैंने बनाई हुई है और इस ग्रो बैग में नीचे की तरफ सारी किचन वेस्ट की जो कंपोस्ट होती है वही थी
बल्कि किचन वेस्ट ही रखा हुआ था जो कि बाद में खुद ही कंपोस्ट में चेंज होता रहा। और एक हाथ से मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से इसको मुझे फील हो रहा है यहाँ पर भी कुछ और एक मिनट मैं करती हूँ इसको अच्छी तरह से ज़रा चेक और फिर आपको दिखाती हूँ। और जनाब देखिए एक आलू से ये हमने इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी मेरे लिए बहुत है। और ये देखिए एक छोटा सा चुन्ना सा एक ये भी आलू है और इस प्लांट के साथ ही आप देखिए इस तरह से ये लगे हुए हैं। बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट रहा और सिर्फ एक आलू था, छोटी सी जगह थी और उसके बावजूद अगर इस तरह से आलू लग जाए तो बहुत ज़बरदस्त है ये रिज़ल्ट। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।